ये हुक्का है भाई, उस टाइम का हुक्का भाई, देखो यार कितना शानदार है। और हुक्का देते ही मेरे को भाई बिलाल शाहिद का सॉन्ग याद आ जाता है, दे दे मैनू हुक्का हुक्का नालो टेंशन तू, शत शत नमन करते हुए श्रीमान कौन से गुरुड़ गरुड़ यार, गरुड़ का मैंने कहीं पढ़ा था हिस्ट्री में, 20वीं शताब्दी के अंदर कुछ था ये। हाँ मैंने, हाँ ये वही है गरुड़ का मैंने पढ़ा था, और ये चीनी था, ये चीनी 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 गरुड़ का है ना, एक दो मूवीज में भी दिखाया गया। फिर से आ गया हूँ उस गन वाले को क्लियर करते हुए मैं इस तरफ, वो यहाँ पे प्राचीन बड़े बड़े चांदी के और सोने के बर्तन है और कलाकृतियाँ करी भी उनके ऊपर वो है, तो वो मैं दिखाने वाला हूँ। ये अल्बाडोल के तीसरे पार्ट की तरफ हूँ मैं, और अल्बाडोल काफ़ी बड़ा है यार, उसमें से कुछ ऐसी प्राचीन थालियाँ हैं जिसके ऊपर उर्दू में कुछ ना कुछ लिखे हुआ है। तो आज शुरू करता हूँ वीडियो को। ये है भाई देख लो, गोल्ड, ये इसलिए दिखाता हूँ भाई ताकि आप लोग रीड कर लो वीडियो को पोस्ट कर। इन चीज़ों के बारे में यार मैं इतना समझा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं उनके नीचे जो लिखा हुआ उनको मैं स्लो में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो को पोस्ट करो और पढ़ लो। ये भाई और एक नज़ारा, और ये एक सोने की थाल है जिसमें भाई आयतें लिखी हुई है। तो यार भाई यहाँ पर ये जल्दी जल्दी शूट करूँगा क्योंकि ऊपर भी है और मुझे ऊपर भी जाना है, तो कुछ चीज़ छूट जाती है तो यार उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये हुक्का है भाई, उस टाइम का हुक्का भाई, देखो यार कितना शानदार है। और हुक्का देते ही मेरे को भाई बिलाल शाहिद का सॉन्ग याद आ जाता है, दे दे मैनू हुक्का हुक्का नालो टेंशन तू, भाई जिसने नहीं सुना एक बार जाओ यूट्यूब पर सर्च करो हुक्का बिलाल शाहिद, भाई एक नंबर सॉन्ग है, मेरे को तो घना पसंद है। ज़्यादा नहीं गाऊँगा कॉपीराइट आ जाएगा, और मैं कॉपीराइट नहीं चाहता, भाई अपने चैनल पर कॉपीराइट नहीं चाहिए मुझे, आ गए जो आ गए। वहां ऊपर जाना मुझे भी,
आधा से ज्यादा को पता चल गया भाई ये यूट्यूब के, कुछ आधा से ज्यादा को ये चीज़ पता चल चुकी है भाई, वो ये बोल रहे हैं भाई ये यूट्यूब ब्लॉगिंग कर रहा ब्लॉगर है, वही सही है ब्लॉगिंग है, ब्लॉगर छोटे हैं बड़े नहीं है जरूर। यार रूम चेंज करते हुए भाई इधर आ रहे हैं और ये कुछ फाइनल हो जाएगा इसके बाद हम ऊपर जाएंगे भाई। यार वीडियो पोस्ट हो गई थी कोई नहीं एडिट वापस भाई, ये क्या चीज़ है भाई आई डोंट नो, बट मैंने नीचे का दिखा दिया पर लेना पोस्ट करके संस्कृत में कुछ लिखे हुआ भाई 19वीं शताब्दी का ही है। सत सत नमन करते हुए श्रीमान कौन से गरुड़ गरुड़ दे। यार गरुड़ का मैंने कहीं पढ़ा था हिस्ट्री में 20वीं शताब्दी के अंदर कुछ था ये, हाँ मैंने, हाँ ये वही है गरुड़ का मैंने पढ़ा था और ये चीनी था, ये चीनी गरुड़ का है ना, एक दो मूवीज में भी दिखाया गया गरुड़ एक चीनी योद्धा था, तो ये उसका स्टेचू छोटा सा, ये बड़ा डेंजर था भाई 20वीं शताब्दी के अंदर, मेरे पीछे दुनिया का सबसे बड़ा ढाल है भाई, अब इसका वेट कितना होगा ये तो पता नहीं, ये होगा करीबन 2-3 टन का, बहुत बड़ा है भाई बहुत बड़ा, और कुछ छोटे ढाल भी हैं भाई पीछे की तरफ देख सकते हैं, और ये हो रहा है भाई। चलो भाई के ये स्नैपचैट डाउनलोड करवाना था, एक भाई मेरे पीछे देख सकते हो आप, एक अजीब सा चाइनीज लैंप है देख रहा होगा, इसे भी यहाँ अल्गोडोल में लटकाया गया है। तो भाई ये कुछ था मैंने छोटा सा बनाया इसका ब्लॉग, और ये भी कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद में मैं अभी जाने वाला हूँ ऊपर, ऊपर का ब्लॉगिंग के वीडियो भी अलग आएगा। तो भाई मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, अगर आप लोग जयपुर आते हो तो प्लीज़ यार 50 रुपये टिकट लगता है, अंदर आओ अल्बा डोल देखो यार एक नंबर सीन है, और जिन जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर करें वीडियो को, ताकि इस वीडियो के थ्रू आपके भी अपने वाले देख सकें अल्बा डोल के अंदर का शो।